वेलकम अगेन विद अ न्यू टॉपिक। ये अभी हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। और क्योंकि न्यूक्लियर का वर्ड यूज़ हो रहा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम न्यूक्लियस की केमिस्ट्री या न्यूक्लियस की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस से समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। हम एटम की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि एटम जो है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। हम ये कह रहे हैं कि ये इसके गिर्द ऑर्बिटिंग करता है, इसके गिर्द मूव करता है। और सेंट्रल पार्ट जो होता है इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, या ये कह रहे हैं कि इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस होता क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड न्यूक्लियर पार्टिकल्स एंड हैव हाई डेंसिटी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, ये टाइटली पैक्ड है। वो कैसे, इसको हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें पता है कि ये जो है ये प्रोटॉन जो होता है इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर प्लस वन चार्ज होता है, तो ये जो है इसका मतलब ये है कि ये जो है दो पॉजिटिव चार्ज यानी एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ये टाइटली पैक्ड है। वो किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स होती है। यानी अगर हम फोर्सेस की बात करें तो एक तो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम कहते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। फिर होती है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज और वीक फोर्सेस होती हैं। अगर हम न्यूक्लियर की बात करें ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। ये जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं इसी की वजह से ये जो एटम होता है ये टाइटली पैक्ड होता है। यानी ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का टाइटली पैक्ड होना जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इसकी जो न्यूक्लियर फोर्स है एंड हैव हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी के बारे में तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है उसके ज़रिए इसको वेरीफाई किया गया कि एटम जो है ये डेंसर पार्ट मीडियम है। यही वजह है कि जब उसने अल्फा रेज इसमें से पास की थी तो सारी की सारी अल्फा रेज जो हैं वो सीधी चली गई, लेकिन जो न्यूक्लियस से टकराई थी टकराने के बाद उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हमें पता चल गया कि ये जो है ये डेंसर पार्ट है। यही वजह है कि इसकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। अब इसके अंदर ये जो दो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हम ये कह सकते हैं कि एटम के ये न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, या इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी पहली चीज़ आपको जो पता चली वो ये है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो टाइटली पैक्ड है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ क्या पता चली है कि ये जो न्यूक्लियस के ये जो पार्टिकल्स हैं इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। फिर क्या है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स के बारे में अगर हम और डिस्कस करें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक तो न्यूट्रॉन हो सकता है। न्यूट्रॉन कब होगा, इफ दे हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है यानी जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रॉन है। और अगर प्रोटॉन है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो प्रोटॉन होता है इसको हम एच प्लस से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं कि अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो खाली क्या बचेगा, एक प्लस चार्ज बचेगा, यानी खाली प्रोटॉन बचेगा। किस वजह से, क्योंकि जो हमारा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है, तो इस वजह से हम इसको H प्लस से भी शो कर सकते हैं प्रोटॉन को। अच्छा, जब हमें ये समझ आ गया, अब एक और चीज़ है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये जब हम क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट करने का नाम जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे
वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो एटॉमिक नंबर है इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं प्रोटॉन नंबर। यानी प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये जो प्रोटॉन नंबर होता है इसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जी, यानी इसको जेड से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एक और चीज हमारे पास आती है जिसे कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का सम लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एटॉमिक नंबर या मास नंबर। अब एक और पॉइंट हमारे जहन में आता है, वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रोटॉन जो है, अगर इसको हम एक प्रोटॉन जो है इसको वन यूनिट से शो करते हैं, वन यूनिट से शो करने का मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो ए एम यू है, ए एम यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको वन एम यू से भी शो कर सकते हैं, और तीसरा हम इसको किससे शो करते हैं सकते हैं, वन यू से। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो उसको हम उसका जो यूनिटी हम कह सकते हैं या उसकी जो इकाई कह सकते हैं उसको हम वन एम यू, वन ए एम यू, वन या वन यू वी के जरिए उसको जाहिर किया जा सकता है। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसका एक फिक्स मास होता है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से पहले मैंने एक वैल्यू लिखी है 1 mu। 1 mu जो होता है ये 1.660566 मल्टीप्लाई 10^-27 किलोग्राम है। ये जो वैल्यू है ये हम amu या खाली जो u की जो वैल्यू है उसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो हम 1.66 वाली मल्टीप्लाई 10^-27 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो mu या एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं। इसमें सबसे पहली वैल्यू है प्रोटॉन की, प्रोटॉन की वैल्यू क्या है 1.007276 mu, न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1.008665 mu। तो देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये तकरीबन सेम हैं, यानी हम कह सकते हैं दिस वैल्यूज़ आर नियरली सेम। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखें तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू से बहुत कम है, ये देखें 0.0005458 mu है, यानी अगर देखा जाए तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो सिर्फ 0 है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है न्यूक्लियॉन की वैल्यू से बहुत ही स्मॉल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वास्टली स्मॉलर देन द मैसेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें पता है कि साइज को समझने के लिए हम ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि ये स्फेरिकल शेप का है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 10^-4 से 10^-5 मीटर, यानी ये कह रहे हैं कि ये जो मीटर में अगर हम लेते हैं इतने मीटर जो है ये होता है असल एटम से इतना छोटा होता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो एटम है फॉर एग्जांपल वो है उसका जो साइज है, साइज ऑफ एटम जो है, साइज ऑफ एटम अगर 10^-10 मीटर है, अगर उसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज अगर इतना छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो होना चाहिए 10^-14 से लेके 10^-15 मीटर। यानी इसको और बेहतर तौर पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-4 टू 10^-5 मीटर स्मॉलर
देन द एक्चुअल एटम, कि एक्चुअल एटम से ये साइज इतना छोटा होता है। इसको जो है इसकी एग्जांपल हम किस तरह से लेते हैं कि अगर साइज ऑफ एटम आपके पास 10^-10 मीटर है तो इट मींस कि फिर जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फिर आपका 10^-14 से 10^-15 मीटर तक होगा, यानी ये उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इसके साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से भी छोटी है। या हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है कहीं भी अगर ट्रैवल करते हैं तो अगर आपका जो ट्रैवलिंग का जो पूरा एरिया है अगर फॉर एग्जांपल कि आपका है 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को अगर आप और छोटा कर दें, यानी ये कह लें कि उसके उसको आप 10 times या उससे भी ज़्यादा छोटा कर दें तो जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो न्यूक्लियस की होगी। यानी हमने क्या कहा कि अगर एटम का साइज 10^-10 मीटर है तो इट मींस कि उसका जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, यानी ये हो गया रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो साइज है। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो 10^-14 टू 10^-15, यानी ये कह लें कि ये जो है ये हम यही वैल्यू इसमें आ गई जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे।